So hello. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गेस व्हाट, आज हम फिर से जा रहे हैं जयपुर। जयपुर की तो बात ही मत करो, पहले वाली ट्रिप की तो सो बीती। जिसको कहना था वो समझ चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो पहले वाली ट्रिप तो बहुत बेकार गई थी, इस वाली ट्रिप बहुत अच्छी जाने वाली, क्योंकि इस बार मैं अकेला जा रहा हूँ अपने पापा के साथ। कोई काम भी हमें वहाँ पे, और जहाँ जहाँ पापा जाएंगे वहाँ ढंग से मैं एक्सप्लोर करूँगा। सो अभी तो मैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे हूँ, थोड़ा ऐसा सा व्यू है, समझ ही जाओ। सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है, मुझे पता है क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, मुझे पता है। तो अभी तो हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे हैं, मेरे पापा सामने बैठे हुए हैं अभी, और मैं अकेला हूँ। तो जिस जिसको नहीं पता, मैंने अपना नया हेयर कलर करवा लिया है, सामने से भी आ रहे। अगर मैंने कैप उतार दी तो बिया का क्या रिएक्शन होगा मैं कह नहीं सकता, कतई जहर वाला। तो इनको जाने दो, फिर दिखा दूँ विटामिनट। सो कुछ ऐसा सा रंग कलर है मेरा नया, अभी मुझे पता है अभी थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, बट ये एक या दो वॉश के बाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और जब नीचे से ब्लैक थोड़े ऊपर हो जाएंगे ना तो परफेक्ट लगेगा तब। हर बार होता है मेरे साथ ये कलर, ऐसा सा आउटफिट डाल रखा है मैंने अभी कुछ। सो चलते हैं, अभी तो हाथ भी दर्द हो गया इतने में तो। So guys, इस वक्त मैं जयपुर पहुँच चुका हूँ, और इस बार फिर से दो स्टॉप होटल ही लिया है। और यहाँ पर तुम्हें पता ही है, गर्मी ने मार डाला। लस्सी पियो, लस्सी। सो अभी तो हम पहुँचे हैं, अभी एक घंटा रेस्ट करूँगा, फिर दोपहर को देखते हैं कहाँ जाते हैं हम, कहाँ ना ही। आई एम सो एक्साइटेड यार, अकेले व्लॉग करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हमने अपना होटल चेंज किया है, क्योंकि जो हमारा पहले वाला होटल था गोस्ट शॉप, उसके अंदर थोड़ा पेपर का पंगा पड़ गया। तो हमने यहाँ पर एक शिमला होटल यहाँ पे देखने आए थे, और हमें पसंद आ गया। तो मैं अभी तो यहाँ के नीचे गई हूँ, ऐसी लोकेशन है थोड़ी यहाँ की, अभी तो नीचे हूँ, ऊपर जाके आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। वैसे हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। फाइनली हम अब एक से दो घंटा रेस्ट करेंगे आराम से, क्योंकि मैं दो दिन से लिटरली सोया नहीं हूँ, सच में दो दिन से नहीं सोया। रियली मैं मजाक नहीं कर रहा, दो दिन से सच में नहीं सोया मैं। अब आराम से थोड़ा यहाँ पे सोएंगे, पहले मैं नहा के आऊँगा। सो गाइस बाय, थोड़ी देर बाद मिलते, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुबह के हो रही है 8:30 और पापा जी अंकल जी कैसे देख रहे हो, सुबह के हो रही है 8:30। अभी मैं ब्रश करके नीचे उतरा हूँ, तो हमारा डिसाइड हुआ है आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ का किला जा रहे हैं अभी। तो मैंने गूगल पे सर्च करके देखी है, बहुत ही ऑसम जगह है, मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। कैब बुक कर ली है, 10 मिनट में आ रही है। ऐसा सा व्यू है होटल के पीछे का, सारे लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त। लड़का कर क्या रहा है, कैमरे से बातें कर रहा है। सो अभी कैब आती है, फिर देखते क्या करना क्या नहीं। वैसे हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर आज। सो गाइस कैब आ चुकी है हमारी पीछे, ये वाली नहीं है, ये वाली हमसे पूछ रही है कि भैया चल लो, पर ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली बता रहे हैं। तो 10 मिनट रुकने के बाद हमारी कैब आ गई है पीछे, ये वाली ना उसके पीछे। नाहरगढ़ का किला तो 10 बजे खुलेगा और हम 9 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक घंटे क्या कर रहे हैं, फक हो गया। सो गाइस अभी तो यहाँ पे आए हैं हम, ऊपर से व्यू कितना अच्छा आ रहा है। हम नाहरगढ़ का किला गए, सो गाइस हम नाहरगढ़ का किला गए थे अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, बट वो 10 बजे खुलता, हम 9 बजे पहुंच गए और एक घंटा हम क्या करते वहाँ पे। हमने सोचा यहाँ से चलते हैं कहीं और, सो अभी यहाँ पे तो आए हैं, गाड़ी रुकवाई क्योंकि व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है। और हम यहाँ पे टॉप पे खड़े हुए और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, सो अभी यहाँ से चलते हैं कहीं और। चले हाँ, अब कहाँ पे जाना है? जयगढ़ किले। जयगढ़ का किला वो कहाँ पे है? एशिया की सबसे बड़ी टॉप है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं जयगढ़ का किला, वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो चलो चले। चले फिर कहाँ गए वो? हम गाड़ी में आए और कैब वाले भी है, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे आ गए, वेलकम बैक। सो गाइस इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जयगढ़ का किला, सामने वो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा सा व्यू है पीछे। और हमारी कार यहाँ पे रुकी हुई क्योंकि यहाँ पे कोई पर्ची लेनी पड़ती है पहले कार की, 50 रुपीज़ की।
गाइस अभी अभी मैं म्यूज़ियम के गेट से बाहर आया हूँ, मैंने वहाँ से एंटर की थी और सीधा यहाँ से लेके यहाँ से बाहर आया हूँ मैं। अब सामने एक किला है, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है। अंदर आते आते मुझे अंकल बहुत अच्छे मिल गए, अंकल सारा घुमा रहे हैं। ये लक्ष्मी विलास महल है, ये मिर्जा राजा जय सिंह जी ने 17वीं शताब्दी के अंदर बनवाया था। इधर इनके बेडरूम है, उधर स्टीम बाथ है, स्टीम सेट है। ये बेडरूम है इस साइड, हाँ उधर स्टीम बाथ है, राजा की पालकी होती थी, उधर रानी की पालकी है। नीचे महाराजा बैठते थे, ऊपर रानी बैठती थी, जाली का पर्दा रहता था, पीछे सेनाई वाले बैठते थे। अंदर स्टीम बाथ और एक बेडरूम वगैरह है अंदर से बंद है। तो यहाँ का मेन पैलेस था, आमेर नहीं बना था, उससे पहले ये रेडी है। वहाँ पे ऊपर रानी बैठती थी, ऊपर रानी, नीचे राजा। अभी भी ये डांस होता नीचे है, राजा। हाँ अभी आया नहीं, अभी भी होता है डांस। अच्छा अच्छा, कठपुतलियों का डांस। हाँ अभी होता है। बहुत अच्छे मिल गए, एक्सप्लेन कर रहे सारी जगह। और यहाँ पे गुफाएं गुफाएं है, आपको यहाँ पे अकेला बंदा घूम जाएगा? नहीं घूम तो सकता है, पूरा नहीं देखे आएगा ऐसे तो। अच्छा अच्छा, आपके साथ हम घर ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, आपसे पूछ रहे आपने कहा के हैं। उधर रानियों का सामने किचन है। भवानी सिंह जी का 2011 में डेथ हुआ था, उनका फोटो ऊपर में लगा हुआ है। अब फोटो वगैरह ले लो आराम से। सो गाइस ये तब के ज़माने का खाने पीने का सिस्टम है। ये ऊपर शीशे के ऊपर सर सूर्य का निशान है, सूर्यवंशी राजा थे उसके वंशज के थे, कछावा वंश। ये डाइनिंग प्लेट होती थी, पीछे खाना रखा जाता था, यहाँ से यहाँ पर पूछा था। ओके, एक कोयले के ऊपर सेका जाता था, कुक रोस्टिंग नॉन वेजिटेरियन, सीख कबाब। सीख कबाब कहे तो सीख कबाब है। फिर आगे रॉयल राइस है। किचन के अंदर आप बर्तन देख रहे, पुराने बर्तन है, तांबे के पीतल के बने हैं। ये तब के ही है? हाँ ये पहले के, 100 साल पहले के। यहाँ पर एकदम अलग वाली फीलिंग आ रही है। ये रॉयल राइस है, मसाला कूट रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जिम की सफाई कर रहे हैं, ताकि से जिम को पीस रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। पहले इस किले के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी, पहले इसी का पानी नहाने धोने पीने के काम में लेते थे, हाथी में थोड़े पानी लेके आते थे। जब पहले क्या था कि इस किले के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी का टैंक बाद में बनाया गया था, इसको बोलते हैं आमेर का सागर। तो हाथी ऊँट घोड़े पानी लेके आते थे, चमड़े के बैग होते थे, ये रास्ता था। इधर एक कुआ था 40 फीट गहरा, इसको पानी से बचते थे, फिर रस्सी बांधते थे, द्वारा पानी ऊपर खड़े थे। बाद में पानी का टांका बनाया गया, ये बरसात का पानी इकट्ठा करते थे। अभी 3 साल से बरसात नहीं हो रही है तो पानी। एग्जिट हो गया, पीछे से गेट था वो, अंकल ने बहुत अच्छे से घुमाया है। हाँ जी हो गया। कितने देर ठीक है, तो गाइस अंकल ने 60 रुपीस लिए, बट 60 रुपीज़ में बहुत अच्छा घुमा दिया उन्होंने मुझे, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर मैं अकेला होता तो मैं ढंग से पूरा घूम ही ना पाता, अंदर इतना काफ़ी ज़्यादा वो है, भूत भी लगी अंदर। बाय द वे ब्रो, हे ब्रो, हे ब्रो,
प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ब्रो, 10K सून। और वहाँ पे मेरे पापा खड़े हुए हैं थोड़े गुस्से में, क्योंकि मेरे को अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि ऊँट चल रहा है। ऊँट क्या नाम है इसका, हैं? नद्दू, नद्दू नाम है इसका, नद्दू। क्या बात, क्या नाम है। सो गाइस, अभी तो हम होटल में आ चुके हैं। सो अभी तो हमने खाने को मंगाया है कुछ, 3 आलू के परौंठे और दही रायता और थोड़ी लस्सी, तब तक पेट थोड़ा भर ले, भूख लग रही है। सो आलू का परांठा हो गया ख़त्म। सो अभी तो हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 4 बजे की हमारी ट्रेन है दिल्ली की। हमारे पास 2 ही दिन थे सिर्फ, मतलब एक पूरा और एक हाफ, 1.5 दिन थे हमारे पास यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें दिखाई, पता नहीं नाम भी नहीं पता, मैं भूल गया, छोड़ो। सो अभी तो आधा घंटा हम रेस्ट करेंगे, 4 बजे की ट्रेन है, फिर ऑफिस दिल्ली, घर दिल्ली। सो ऑलराइट गाइस, हमने होटल चेकआउट कर दिया है। सो यहाँ से हम निकल के, हमारी 4 बजे की ट्रेन है। उसके बाद पापा का कुछ काम है सामान का, वो उठा के भैया कैसे देख रहे हैं, लड़का कर क्या रहा है, ये कैमरे से क्यों बातें कर रहा है। तो दुकान वो काम करके उठा के सामान, फिर यहाँ से हमें जाना है स्टेशन, स्टेशन से 4 बजे की हमारी ट्रेन। सो बाय बाय, अच्छा होटल था। फाइनली होम स्वीट होम। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। 10K सून है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, सॉरी 10K सून है, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, सॉरी। सो जिसने मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो नहीं कर रखा, जाओ जो कि फॉलो करो, जोरावर सिंह, दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।